देखिए ये रीजन का आ रहा है, अभी गाड़ी हम चला ही रहे हैं, ऊपर देखो राइट साइड में आपको अलर्ट्स के साथ लगा होगा, तो अभी इसको रीजन करना जरूरी हो गया। दिखा नहीं रहा वहाँ पे, मतलब वो साइन तो है हाँ। और साथ में वो बज रहा है ना उसका, बीच में पूरी उस पे आ जाता है ना स्क्रीन पे जो। हेलो गाइज, हाउ आर यू? मैं हूँ रवि मल्होत्रा और ये है मेरी कार स्कॉर्पियो N। तो आज मैं फिर से एक इशू गाड़ी का लेके आया हूँ। पहले भी आपने देखा होगा कि DPF क्लॉक का एक इशू था इसके अंदर, तो हमने उसको कैसे रिजोल्व किया था। अब इसके अंदर फिर से वो सेम इशू आ रहा है। तो अभी एक टेक्निक होती है इटालियन ट्यूनअप, अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना या नहीं देखा तो आप उसको जरूर गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। बाकी मैं भी इसके अंदर वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करूंगा। तो जो वो इटालियन ट्यूनअप है वो हम करने जा रहे हैं। इसको गाड़ी को हम फिफ्थ गियर या सिक्स्थ गियर पे 80-90 की स्पीड से चलाने की कोशिश करेंगे 50-60 मिनट्स में। तो देखते हैं कि उससे ये रिजोल्व होता है कि नहीं होता। देखिए ये रीजन का आ रहा है, अभी गाड़ी हम चला ही रहे हैं, ऊपर देखो राइट साइड में आपको अलर्ट्स के साथ लगा होगा, तो अभी इसको रीजन करना ज़रूरी हो गया। अभी हम बेटी को लेंगे वहाँ से और फिर हम इसको रीजन करते हैं, देखते हैं अगर ऐसे ही चला जाए। यहीं पे मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी चलाने की, अगर यहीं पे चला जाए तो स्कॉर्पियो एंड ब्लैक कलर की गलियों में से निकलना पड़ रहा है क्योंकि रोड नहीं है, रोड इज अंडर, जगह जगह पे टूटी हुई है, पूरा फरीदाबाद ही जगह जगह से खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो जब तक ये होगा नहीं तब तक पूरी तरह से कंप्लीट सारी रोड्स बन नहीं जाती, ये DPF की इशू आता रहेगा, मुझे तो लगता आता ही रहेगा, क्योंकि आपके पास चांस ही नहीं है ना गाड़ी तेज चलाओ, हाईवे पे लेके जानी पड़ेगी। आज हाईवे पे ही लेके जाके आएंगे इसको। और हम अभी तो गए थे, और अभी हम एक्चुअली में ना अभी पटियाला होके आए हैं हम, तो उसका वीडियो मेरे को बनाना है। इसमें मैंने गाड़ी 150 की स्पीड पे चलाई है, अब इतनी तेज गाड़ी चलाई है उसके बाद भी आ गया, मुझे लगता है कि कहीं ना इसका डीजल से भी रिलेशन है कि कौन सी क्वालिटी का डीजल आप डलवाते हो। हमने कुंडली से टैंक फुल करवाया था एक्चुअल में ना, तो कुंडली से जो टैंक फुल करवाया है वो मुझे लगता है कि सही नहीं था डीजल, बेस 4 है या मिलावट वाला होता है। ब्लैक स्कॉर्पियो N तो बड़ी स्कॉर्पियो हो गई है, हम उन गिने चुने लोगों में से तुम सबसे पहले मिली थी, तो ये तो हमेशा से रहेगा कि पहले हमको मिली। चलो कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, बट मेरा आज रीजन करने का है मेन। अब मैं वैसे रीजन नहीं, मैं वैसे करूँगा, मतलब दौड़ा के करूँगा, जस्ट लाइक एज आई सेड इटालियन ट्यूनअप, क्योंकि ना मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आप ऐसे खड़े करके करते रहोगे गाड़ी पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे उस पर विश्वास नहीं, क्योंकि बड़ी देर से जूम करके एक ही तरफ खड़े खड़े आइडलिंग करती है गाड़ी, तो सही चीज़ नहीं है। पड़ोसी और इकट्ठे हो जाते हैं काम का। अभी एक बार मैं डीजल भरवा लूँ, क्योंकि आज दो दो अलर्ट हैं, डीजल भी कम हो गया। और एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि ना गाड़ी में एवरेज भी कम हो जाती है जब ऐसी सिचुएशन आती है ना। देखें गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है, देख लीजिए सर, एक मिनट, फ्यूल पे जाता हूँ मैं, फ्यूल इन्फो देखियो कितनी गाड़ी का 6.7 किलोमीटर पर लीटर लगा है। तो ये इसका मतलब है अगर एवरेज ऐसे ड्रास्टिकली डाउन होने लगे ना, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में ना इस ट्यूनअप की ज़रूरत है या फिर रीजन की ज़रूरत है। ये यार ये बड़ी बेकार चीज़ है, मैं बताऊँ डीजल में यार गाड़ियों में हमको लगता है कि डीजल सस्ती पड़ेगी गाड़ी, बट बहुत महंगी पड़ने वाली है ये, क्योंकि आपको ये ट्यूनअप्स करने पड़ेंगे, आपको ये रीजन करने पड़ेंगे, डीजल भोगना पड़ेगा, गाड़ी ज़्यादा चलानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको DPF भी डालना पड़ेगा, AdBlue भी डालना पड़ेगा, पैसे भी ज़्यादा दिए हैं, और एनवायरमेंट का भी बेड़ा गर्क, मतलब वो तो नहीं हो रहा। और फिर बच गया, देखो फिर बच गया, तो ये डीजल भरवाने के बाद चलाएंगे, फिर बच गया। दिखा नहीं रहा वहाँ पे, मतलब वो साइन तो है हाँ। और साथ में वो बज रहा है ना उसका, बीच में पूरी उस पे आ जाता है ना स्क्रीन पे जो। बट इटालियन ट्यूनअप आज हम करेंगे जरूर हमें, क्योंकि इटालियन ट्यूनअप हमें, क्योंकि बेस 6 में ये करने की जरूरत पड़ रही है। हफ्ते में एक दिन या दो हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालना चाहिए, सैटरडे संडे या जो भी आपके पास है, जिसमें आप हाईवे पे मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग 5-6 बजे 7 बजे करीब गाड़ी लें और फुल थ्रोटल के साथ भगाएं,
80-90 स्पीड्स, जितनी ज़्यादा आपकी RPM ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गैसेस बनेंगी और वो उसको बर्न करेंगी, जो यू नो जो PM आपके उसके अंदर फिल्टर के अंदर है, और देख के लगता नहीं है यार बहुत ट्रैफिक है। फोर्थ गियर पे 60 की स्पीड के अराउंड, मतलब 50-60 की पे मैं चला रहा हूँ इसको, तो एक बार थोड़े से जैसी जगह मिलेगी एक इसको देंगे अच्छा सा पुश, ताकि गैसेस बननी तो स्टार्ट होगी होंगी इतने में, क्योंकि फोर्थ गियर है, लोअर गियर पे हायर RPM है। 1500 RPM तो नहीं, 2000 RPM तक कम से कम होना चाहिए। लेट्स डू इट। स्पाइट है क्योंकि ये कार जो है ना इनको ऐसी सिचुएशन में ही चलना पसंद होता है। देखेंगे अगली बार, नेक्स्ट टाइम अगर मैं बनाऊंगा तो अर्ली मॉर्निंग में आपको करके दिखाऊंगा प्रॉपर इटालियन ट्यूनअप, बट अभी जो है फिलहाल के लिए कि टू गेट रिड ऑफ दैट एरर मैसेज दैट यू नो कमिंग, तो उसको हटाने के लिए ये करना ज़रूरी है। 60 की स्पीड पर एटलीस्ट 15 मिनट्स तो चल जाए यार, कहीं रुके ना गाड़ी बस। सच में यार डीजल वाली गाड़ी के साथ सिरदर्दी तो है। वैसे मुझे ये पता नहीं, ये था। पता नहीं था हमें एक्चुअल में कि रीजन एक्चुअल में हम देख तो रहे थे बट ऐसे इसके ऊपर कोई वीडियोस थे नहीं। अगर कोई और रवि मल्होत्रा ने इसके ऊपर वीडियो बनाया होता ना तो शायद कोई रवि मल्होत्रा जैसा इंटेलिजेंट होता, एक अच्छा यूट्यूबर जो फालतू की बातें ना करके मेन गाड़ी की बातें करे, इश्यूज बताए। हाय 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 हाय, देखा आपने? ऐसा कोई रवि मल्होत्रा आज तक आया नहीं। तो करते हैं इसका भी आप लोगों को, क्योंकि अगर आप खरीद रहे हैं इन फ्यूचर, आपने बुक करा रखी है डीजल वाली गाड़ी, तो आप इतना याद रखिए कि आपकी कॉस्ट ज्यादा ही पड़ेगी, क्योंकि डीजल बेशक एवरेज अच्छी देगा लेकिन आपको कहीं ना कहीं महंगी पड़ेगी गाड़ी। आप महंगी गाड़ी लेंगे उसके बाद आप गाड़ी का रीजन के चक्कर में फंसेंगे। तो कई गाड़ियों में इसको एड ब्लू बोला जाता है, जैसे कि फॉर्च्यूनर में एड ब्लू के नाम से है और मुझे नहीं पता टाटा में किस नाम से आ रहा है। डीजल वाली गाड़ियों में ये प्रॉब्लम रहेगी। इसके अंदर DEF के नाम से आता है, ठीक है, वो डलवाना पड़ेगा आपको, उसकी कॉस्टिंग होगी। बट एक अच्छी चीज़ है कि इसकी 10,000 किलोमीटर DEF चल जाता है। और दूसरा आपको डीजल की इंजन की सफाई करानी पड़ेगी एवरी नाउ एंड अगेन। बाकी हाँ, क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए डीजल इंजन अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप पहाड़ों पे गए तो भी आपको ये रीजन की प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हम पहाड़ों पे गए थे तो भी हमें इशू आ गया था ये, क्योंकि वहाँ पे भी जो बेस 6 के जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डीजल इंजन का ट्यूनअप है वो वहाँ पे अच्छे से काम नहीं करता है पहाड़ों पे। तो ये गाड़ी आपको हाईवे पे भगाने के लिए मेरे हिसाब से जो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो इटालियन ट्यूनअप है। हफ्ते दो हफ्ते में एक बार हाईवे पे आओ अर्ली इन द मॉर्निंग जब गाड़ियाँ कम होती है, 80-100 की स्पीड पे 5-10 मिनट के लिए चला दो गाड़ी चला दो, उसके बाद आपकी गाड़ी में से ये प्रॉब्लम हट जाएगी। अभी तक मैंने ये नहीं किया था बट अब मुझे लगता है कि ये करना ही पड़ेगा, अल्टीमेट गोल इज लाइक दैट। और पुश आया गया बट अभी तक वो इशू नहीं आया है। मुझे लगता है कि वो हो गया होगा बट फिर भी मैं 5 मिनट और चलाऊंगा। 2000 RPM पे चला दी गाड़ी, अच्छी बात है। ओ क्या करना पड़ रहा है भाई, सोचा ना था कि ये भी करना पड़ेगा। अगर पता होता डीजल में इतनी दिक्कतें आती हैं तो यार हम पेट्रोल वाली ले लेते, पर पेट्रोल की एवरेज भी 5-6 की है यार, बड़े रो रहे हैं सिटी में तो पेट्रोल वाले और भी रो रहे हैं। डीजल जो SUV है वो डीजल ही होनी चाहिए यार, पावर उसी से मिलती है, बट कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं कि क्या बताएं आपको। ये एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है हमारा। अभी तो फॉर्च्यूनर ले रहे अच्छा हुआ नीली, उसका तो एड ब्लू का इशू है वो जल्दी खत्म हो जाता है।
3-4 हज़ार रुपये किलोमीटर में ही ख़त्म हो जाता है। चलो आगे से नीचे लेंगे वापस अपने सेक्टर। तो अभी जैसे कि हमने गाड़ी थोड़ी स्लो करी ना 30-40 से नीचे होते होते अपने आप पता नहीं कैसे इसका आर्टिकुलेशन होता है वो हो गया है और ये अब सही से चल रहा है। देखो अब यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है। चलो एनीवेज अभी गाड़ी बंद करते हैं ठीक है, क्योंकि अभी जो हम रन करके आए हैं हाईवे पे अभी यहाँ पे आके रुके हैं, अब गाड़ी को बंद करते हैं फिर देखते हैं वो इशू आता है कि नहीं आता, क्योंकि वैसे तो मुझे वो कहीं पे भी नहीं दिखा रहा। तो ड्राइव इन्फो में भी एक बार देख लेते हैं, इसमें तो वो नहीं दिखा रहा DPF वाला एरर ठीक है। और व्हीकल इन्फो में और अलर्ट्स में भी जाके, अलर्ट्स में तो है ही नहीं, अलर्ट्स कोई नहीं दिखा रहा ना, ऊपर कोई साइन ही नहीं आ रहा अलर्ट्स का। हाईवे पे गया हूँ, हाईवे पे जाने के बाद मैंने एक बार इसका जो इटालियन ट्यूनअप काइंड ऑफ थिंग वो हमने कर लिया, 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चला ली है, 100 की स्पीड पे भी हमने टच कर लिया और काफ़ी देर तक चलाई है और ये इशू नहीं है अब। बाकी इस वीडियो को मैं कल तक डालूंगा और कल तक अगर ये इशू नहीं आता है तो ये इशू जा चुका है। एंड दिस इज द आई थिंक बेटर ऑप्शन टू रीजन द कार, जो हमने पहले किया था वो थोड़ा ड्रामाना था। हाँ, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन एक्चुअली, क्योंकि क्या है ना कि आप हफ्ते दो हफ्ते में आप एक बार ये कर ही लीजिए, आपको मौका ढूंढ ही है अब आप हाईवे पे जाने का। बाकी अपडेट जारी रहेंगे, आपको हम अपडेट करते रहेंगे और ऐसे ही हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद हम, और प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू गिव वॉच आवर्स, जितने भी मेरे वीडियोज हैं सबको देख डालिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप। अगर आपको अच्छा लगता है ये इन्फॉर्मेटिव था तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर इन द पोर्टल्स और ग्रुप्स और टीम BHP वेयर एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज विद ऑल बेसिक्स कार्स, डीजल और डीजल बेसिक्स कार्स। हाँ, ये डीजल सिर्फ इससे रिलेशन नहीं है, हर डीजल गाड़ी जो भी 23, 24, 25 में बेसिक्स आप लेने वाले हैं उसको आपको ये ऐसे इटालियन ट्यूनअप करना है। हर डेढ़ हफ्ते में आप एक चक्कर जरूर हाईवे का लगाएं जिसमें आप गाड़ी को फुल थ्रॉटल पे चलाएं, मतलब 80-90 की स्पीड पे आप चलाएं मैक्सिमम गियर रेशियो के साथ और मैक्सिमम RPM के साथ, तो आपकी गाड़ी अच्छे से काम करती रहेगी। धन्यवाद, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।